गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप अपनी जगह सुरक्षित होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण का टॉपिक समरूपी विनार्थक शब्द। शब्द जो इस प्रकार के हैं उनकी जो साउंड है वो लगभग लगभग सेम होती है, लेकिन उनके जो अर्थ हैं वो अलग होते हैं। उन प्रकार के शब्दों को आज हम करेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल है आदि। आदि का मतलब होता है आरंभ या किसी चीज का शुरू होना। और एक होता है आदि, जैसे कोई शराब पीने का आदि है, कोई धूम्रपान करने का आदि है, ठीक है, तो वो होता है उसकी आदत होना। तो यहाँ पर आदि और आदि, ठीक है, दोनों शब्द सुनने में समान लग रहे हैं, लेकिन इनका जो अर्थ है वो अलग अलग है, ठीक है। अगला शब्द है, एक होता है और एक होता है और, ठीक है। इन दोनों में भी क्या समानता दिखाई दे रही है कि दोनों हम बोलते हैं जब और लगभग लगभग समान सुनाई देते हैं, लेकिन एक जो इसके ऊपर ओ की मात्रा है उसके उसका अर्थ होता है तरफ के, उस ओर जाना है मुझे या उस ओर आना है। तो दूसरा होता है और मीन्स अन्य, जैसे राम और श्याम, ठीक है, अन्य। एक शब्द है हमारे पास मेला और एक होता है मेला, ठीक है। मेला यानी कि जो भी प्रदर्शनी है, ठीक है, उसको हम जहाँ जैसे मेला लगता है किसी भी उस पर हम जाते हैं। और दूसरा है मेला, मेला मीन्स गंदा डर्टी। यहाँ पर एक शब्द है अलग पूछ और दूसरा शब्द है पूछ, ठीक है। दोनों का सुनने में लगभग समान दिखाई दे रही है पूछ पूछ, लेकिन यहाँ पर फर्क क्या है। पूछ का मतलब होता है पूछना, हम किसी चीज पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं। और पूछ दुम, जैसे कुत्ते की दुम या कुत्ते की पूछ, ठीक है। अगला ग्रह और गृह, दोनों शब्द समान समान सुनाई देते हैं, लेकिन ग्रह जो नक्षत्र जो आकाशीय पिंड है हमारे, ठीक है, उस प्रकार हम वो ग्रह बोलते हैं। और गृह का मतलब होता है घर, ठीक है। अगला जो शब्द है दिन और दीन, ठीक है, दोनों समान लग रहे हैं लेकिन इनका अर्थ भी अलग है। कैसे, दिन का मतलब होता है दिवस, जैसे आज कौन सा दिन है, ठीक है, डे। और दीन का मतलब होता है गरीब की वह दीनहीन है, ठीक है। तो अगला शब्द है दशा और दिशा। दशा का मतलब होता है अवस्था, स्टेज, कि वह किस दशा में है, ठीक है, उसकी कंडीशन। और दिशा का मतलब होता है जैसे हमारी दिशाएं हैं उत्तर पश्चिम पूर्व पश्चिम दिशा, ठीक है, और, ठीक है, सही। सूत और सुत, सूत का अर्थ होता है धागा और सुत का अर्थ होता है बेटा, ठीक है। दोनों शब्द समान लग रहे हैं लेकिन इनके अर्थ जो है वो अलग अलग हैं। आपने भी ऐसे शब्द बहुत सारे सुने होंगे, पढ़े होंगे, ठीक है। तो एक शब्द होता है मैं और एक होता है मैं, ठीक है। कई बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। मैं का अर्थ होता है अंदर और मैं का अर्थ होता है मैं स्वयं, यानी कि मुझे खुद के बारे में बता रहा हूँ कि जैसे मैं एक अध्यापक हूँ, ठीक है। और मैं होता है जैसे मैंने डिब्बे में चौक, डिब्बे में चौक रख दिया, ठीक है, तो मैं। पता और पत्ता, इसका आपको पता ही होगा, पता यानी कि कोई भी हम जो हमारे रहने का स्थान है, तो उसको हम अगर किसी से पूछते हैं कि आप कहाँ पर रहते हैं, आप अपना पता दीजिए। और एक होता है पत्ता, जिसे पेड़ और पौधों के जो पत्ते होते हैं वो हम पत्ता, उसको हम पत्ता बोलते हैं। उसके बाद है राज और राज। अब दोनों सब समान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक राज का मतलब होता है शासन करना, रूल करना, ठीक है। और दूसरा राज का मतलब है कोई भी सीक्रेट बात, कोई गुप्त बात, वो राज, राज को राज रहने दो, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है परिणाम और परिमाण, ठीक है। परिणाम का मतलब होता है नतीजा, जैसे आपके परीक्षा परिणाम आते हैं तो वो परीक्षा परिणाम, परिणाम का आते हैं यहाँ पर किसी भी चीज का नतीजा। दूसरा होता है परिमाण, परिमाण हम नाप तोल के लिए यूज करते हैं। आगे है श्याम और शाम। अब इनमें फर्क है, श्याम का अर्थ होता है सांवला, ठीक है, और शाम का अर्थ होता है संध्या यानी के इवनिंग, जैसे सुबह शाम। आगे है
चालक और चालाक। चालक का अर्थ होता है ड्राइवर, जो ड्राइव करता है कुछ भी चीज उसको हम चालक बोलते हैं हिंदी में, और चालाक का मतलब होता है चतुर। ठीक है, अंतिम शब्द है हमारा निधन और निर्धन। निधन का मतलब होता है मृत्यु या किसी की डेथ होना, और निर्धन का मतलब होता है कोई भी गरीब। ठीक है, तो ये सब आज के जो हमारा टॉपिक है समरूपी भिन्न अर्थक शब्द, यानी कि समान जो सुनाई देते हैं उनका लेकिन अर्थ जो है भिन्न यानी कि अलग होता है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये समझ में आया होगा, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप इसको देखें और इसको लिखें। आपकी स्क्रीन पर ये बड़ा करके हम दिखा रहे हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगले हम टॉपिक जो हिंदी का लेकर आते हैं वो नेक्स्ट ही जल्द ही आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तब तक के लिए बाय बाय।